ज्यादा यहाँ पे ये बोला जा रहा है, आसपास पड़ोसियों भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ जब भी एग्जाम होता है ना, हर बार का लफड़ा है, यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स परेशान होते हैं इसके अंदर, किसी का एग्जाम सही नहीं होता। अब एक एक्चुअल टाइम के अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं तो तुम्हें सिस्टमैटिक तो सिस्टम चाहिए। सिस्टम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का आज पेपर है IBPS का PO लेवल का, लेकिन यहाँ जो सेंटर आया सिस्को वहाँ सभी भाइयों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए कौन जवाबदार है? किसी का सिस्टम हैंग हो रहा है, किसी के सिस्टम को चार चार बार पांच पांच बार चेंज करना पड़ रहा है, और किसी का प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि जो माउस है वो भी क्लिक नहीं कर रहा है। जब टेक्निकल एक्सपर्ट को बोला जा रहा है तो वो कह रहा है हमारी कोई जवाबदारी नहीं, अगर आपको पेपर देना तो दो वरना यहाँ से बाहर चले जाओ। और जो यहाँ पे IBPS के इन्विटर आए वो अटेंडर आए हुए हैं वो भी हमें संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दे रहे, ना ही वो हमारी किसी कार्रवाई में हमारा साथ दे रहे, जबकि उनको अच्छी तरह से पता है कि बच्चों के साथ क्या हुआ है। कौन से गए हैं, कौन देने आए पेपर? मैं नागौर का रहने वाला हूँ और अजमेर पेपर देने आया हूँ। किस चीज़ का पेपर है ये? IBPS ग्रामीण बैंक का पेपर है और PO लेवल का, स्केल ऑफिसर फर्स्ट लेवल का पेपर है। कितने स्टूडेंट है इसमें? ऑल ओवर इंडिया के अंदर पता नहीं कितने बच्चे उन्होंने, और ये सेंटर पे केवल 400 बच्चों का सेंटर है। सबके प्रॉब्लम है। बताओ इसमें 45 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट उसमें 80 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन को आपको मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में करना है, और उसमें भी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो तो वो 4 से 5 सेकंड का टाइम उसमें जाने में ले लेता है, और बाई चांस आपको बैक करके देखना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर टिक किया, तो फिर से 4 से 5 सेकंड का टाइम ले लेता है। तो ऐसे में आप सोचो कि अगर इतना सिस्टम में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, और स्टूडेंट का एग्जाम है ना, ये इस पर्टिकुलर सेंटर की अगर प्रॉब्लम है तो इस सेंटर में सभी बच्चों का एग्जाम दोबारा से लेना चाहिए, ताकि जो बच्चों का फ्यूचर है वो इस तरह से बर्बाद ना हो। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे 5 बार इन्होंने डिफरेंट PC पे बैठा है, मतलब जिस भी PC पे बैठता हूँ कभी किसी PC का कभी कोई PC हैंग हो जाता है, कभी कभी किसी किसी का जो टाइमर होता है उसमें बहुत ज़्यादा लैग होने लग जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो 5 बार सिस्टम चेंज होगा 45 मिनट में, तो आप खुद देख लो कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा कभी किस। हाँ, आज ये हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्ज़ाम है जो कि हमारा फर्स्ट शिफ्ट में था। कहीं कहीं से लोग आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आई है सबके सामने कि जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर नहीं रहे हैं, जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन से उससे दूसरे क्वेश्चन पर अगर जा रहे हैं तो वो लैग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 5 से 6 सेकंड तो आप मिनिमम मान के चलो। उसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि दूसरे जो लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे एक ही शिफ्ट में हमारे 5 से 6 लोग ऐसे आए हैं जिनके PC चेंज करने पड़े हैं। एक ये भैया है, इनके अभी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इनके एक ही बार में 5 PC चेंज हुए हैं, मतलब एक से यहाँ। और जो यहाँ पे टेक्निकल हेल्प कर रहे हैं करने के लिए जो भैया सर वगैरह हैं, उनसे हमने पूछा कि सर देखिए ऐसे हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो इधर से सुन के इधर से निकाल रहे हैं, मतलब कोई बोले और अभी भी बोला एग्जाम देना तो दो वरना कुछ नहीं है। और उसके बाद भी जैसे हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक बंदे को अंदर लेके गए इन भैया को, और ये बोला है कि ना बोले तू देख ले भाई एक बार की तेरे को कुछ मतलब PC में कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रही है, तो इस तरह से हमें कुछ भी संतोषजनक जवाब किसी भी तरह से मिल नहीं रहा है। और हमें ये बोला गया है कि यहाँ से आप लोग कंप्लेन करिए IBPS पे, हम लोगों ने कंप्लेन की है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि इसका ये कुछ भी उचित हमें रेस्पॉन्स मिलेगा।